छत्तीसगढ़ के दुर्ग में साधुओं की पिटाई के बाद बीजेपी के निशाने पर आई सरकार को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। सीएम बघेल ने कहा है कि क्या यूपी जैसा लॉ एंड ऑर्डर चाहती है बीजेपी, जहां मंत्री का बेटा मार दे और कार्रवाई भी ना हो। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है सीएम भूपेश बघेल ने, सुनिए। आयोग ने जो सिफारिश की है उन सबको हम लागू करेंगे। लोकसभा में जो ईडब्ल्यूएस के बारे में जो आरक्षण की व्यवस्था की है उन सबको हम लागू करेंगे और हम लगातार उसमें प्रयास कर रहे हैं। पिछले सरकार ने हिला हवाला किया, ढिलाई की, उसका नतीजा है और वही लोग आंदोलन कर रहे हैं। 2011 से था, उनको 18 तक के मौका मिला था, लेकिन एक भी डॉक्यूमेंट वो हाई कोर्ट में नहीं लगाए। ननकी राम कंवर के नाम से कमेटी बना दी, चीफ सेक्रेटरी के नाम से कमेटी बना दी, लेकिन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसकी फाइंडिंग्स है उसको कम से कम पटल में तो रखना था, हाई कोर्ट में रखना था, वो रखे नहीं और उसके कारण से वो खारिज हुआ। अब हम सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं और उसके बाद हमारे जो हेड काउंटिंग के काम है वो भी तेजी से चल रहा है, बहुत जल्दी उसका रिपोर्ट आएगा। तो पिछड़े वर्ग के लोगों को भी, अनुसूचित जाति के लोगों को भी, जनजाति, इनको तो जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण मिलना है। पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण जो मंडल आयोग ने सिफारिश की है उसके अनुरूप मिलना है। और लोकसभा में जो वर्तमान सरकार है उन्होंने ईडब्ल्यूएस के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की है उसके अनुरूप भी आरक्षण की कार्रवाई हम लोग करेंगे। था और मोरिया दरबार में मुझे आमंत्रित किया था, सभी मोरिया मांझी चालकी सीएम हाउस गए थे सांसद जी के साथ और मुझे निमंत्रित किया था उन्होंने। आज मुझे यहाँ आने के बाद दंतश्री माई के दर्शन और उसे मोरिया दरबार में शामिल होने का अवसर मिला और अभी सभी समाज के 14 समाज के लोगों को जमीन का पट्टा, भवन बनाएंगे उसके लिए पट्टा वितरण का भी काम, निर्णय होते हैं उसका पालन किया जाता है। पिछले समय जो भी हमने घोषणाएं की थी उसका पालन हुआ है। बस्तर के विकास के लिए जहां उसे जमीन देने की बात हो, चाहे जल जंगल जमीन बचाने की बात हो, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार, लघु अनुपज की खरीदी और उसकी प्रोसेसिंग का काम लगातार कर रहे हैं। आज महत्वपूर्ण दूसरा काम अभी जो होगा, जो बस्तर फाइटर्स की भर्ती जो हुई है उन बच्चों से भी मेरी मुलाकात है। अभी 14 समाज के लोगों को पट्टा वितरण किया, वो भी महत्वपूर्ण है। और लोहांडी गुणा में जो इमली प्रोसेसिंग प्लांट है उसकी भी शुरुआत होगी और आज कांकेर में मिलेट्स प्रोसेसिंग प्लांट लग रहा है जो देश का सबसे बड़ा प्लांट होगा, तो उसकी भी शुरुआत आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो बड़ी सौगात भी और बस्तर अब विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो मैं सबको बधाई शुभकामना देता हूँ। सर आरक्षण को लेकर भारत सरकार तो सब रेल ट्रेन ही बंद कर रही है, पूरे प्रदेश में, हमारे छत्तीसगढ़ में बंद हो गया, देश भर में बंद हो रहा है। अब तो जैसे एयर इंडिया बिक गया, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, है ना, तो अब सारे स्टील प्लांट है वो बिकने के कगार पे है, नगर ना, तो ये रेल भी बिकने वाली है। दिल्ली राजा रेल लाइन पर दबाव सरकार के ओर से जो भी करना है हम लोग तो कर ही रहे हैं, तो हमारी कोशिश है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब सपोर्ट नहीं मिल रहा सर, स्टेट गवर्नमेंट को उनकी तो नियत ही है कि सबको बेच डालो, देख तो रहे हो सीएम साहब। सर भाजपा से तो कांग्रेस की विषय है और स्वास्थ्य विभाग लगातार उसमें निगरानी रखे हुए हैं, हम लोग भी नजर रखे हुए हैं कि वो बीमारी के बारे में जानकारी हो तो उसका इलाज ठीक से हो। सर बस्तर पहुंच भी और संगठन की भी तैयारी, मैं तो लगातार आ रहा हूँ, संगठन के भी दौरा हो रहा है, पुनियाज भी आ रहे हैं, मोहन मरकाम जी की अध्यक्षता में वो कमेटी जाएगी, कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे, तो गतिविधि तो बढ़ानी पड़ेगी ना तैयारी। अभी बिलासपुर संभाग में दौरा किए थे पिछले दिनों जब आए थे।